हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, की हाल चाल। आई एम बैक विद अनदर रिएक्शन वीडियो। तो आज मैं देखने वाला हूँ पो इन कोरिया की वीडियो, पो इन कोरिया का ब्लॉग, जो कि है इटली हाउस टूर प्लस मीटिंग माय बेस्ट फ्रेंड आफ्टर 4 इयर्स। तो आज ही ये वीडियो आई है, ब्लॉग आया, तो देखते हैं। होप सो आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगेगी, तो एंड तक लास्ट में देखना। चलो फिर शुरू करते हैं। स्कूटी ओ मोटरसाइकिल, सॉरी मोटरसाइकिल। टुडेस ब्लॉग इटालियन हाउस। नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, जो आज का वीडियो ना वो एक बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो जो कि है हाउस टूर। हां, इन्होंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि हाउस टूर आ रहा है, घर में, और बार-बार आप कमेंट करते जा रहे हो कि दीदी आप प्लीज एक हाउस टूर वीडियो बनाइए, दीदी हमें आपका कबाड़खाना देखना है। कबाड़खाना तो अगर जनता को हाउस टूर वीडियो चाहिए ना, तो जनता को हाउस टूर वीडियो जरूर ही मिलेगा। लेकिन हाउस टूर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूं कि मेरे पेरेंट्स यहां पे 2-3 महीने पहले शिफ्ट हुए थे, तो उसकी वजह से बहुत सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा है, बहुत सारी चीजें हमने ऑर्गेनाइज नहीं की है। और ये जो घर है ना, वो पिछले वाले घर से बहुत ही छोटा है, तो उसकी वजह से आई थिंक ये वाला हाउस टूर वीडियो काफी क्विक रहेगा। सो विदाउट एनी फर्दर एडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, हाउस टूर हम सबसे पहले बाहर से स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ बाहर वाली बिल्डिंग कैसे दिखती है। तो ये रहा हमारा घर, हमारा नहीं, मेरे मम्मी पापा का घर है, क्योंकि मैं यहाँ पर नहीं। बिल्डिंग तो काफी बड़ी है। यहाँ पर है गैराज जहाँ पर आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं, और वहाँ पर ऊपर पूरा हमारा घर है, वो है बालकनी। ये वाली है अजब की कार, और अंदर रही देखने मेरे में तो काफी की बड़ा कार, लग रहे जो की है वो वाली। ये रहा अंदर का पार्ट, और जैसे कि मैं बोल रही थी, ये रही पापा की फरारी, और यहाँ पर रहा मेरा छोटा भाई अभय। अबे हेलो बोल, अबे हेलो कर, घर वाली भी मेरी इज्जत नहीं करते। यहाँ पर मम्मी ने कुछ कैक्टस भी पाल रखे हैं। बाय द वे गाइस, कैक्टस को शुद्ध हिंदी में क्या बोलते हैं? एक सेकंड, हे सीरी, हाउ डू यू से कैक्टस इन हिंदी? नागनी, नागनी, नागनी। सो गाइस, ये रही मेरी मोटरसाइकिल। सो ये वाली मोटरसाइकिल मुझे गिफ्ट में मिली थी जब मैं 11 साल की थी। तो 11 साल में मैंने मोटरसाइकिल लाइसेंस ले लिया था। और बाय द वे, यहाँ पर जो पीछे है ना, वो है एक जिम, और मैं यहाँ पर यूजुअली डेली जाती हूँ अपने डोले शोले बनाने के लिए। अभी हम घर प्रवेश करते हैं। सो यहाँ पर रही कुछ स्टेयर्स जो की घर पर जाती है, और यहाँ पर साइड में रहा गैराज। तो गैराज दिखाने से पहले मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि वो बहुत ही मैसी है, और जो फैमिली यहाँ पर पहले रहती थी ना, अभी भी उनका सामान गैराज के अंदर रखा हुआ है। सो गाइस, ये रहा गैराज। सो टेक्निकली यहाँ पर आप अपनी जो गाड़ी है, बाइसिकल है, मोटरसाइकिल है, वो पार्क कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो सारा सामान आपको दिख रहा है ना, ये हमारा सामान नहीं है, जो पहले लोग यहाँ पर रहते थे ना, उनका सामान है। ठीक हो गया। सो गाइस, पहले हम वहां पर थे, तो हमने ये वाली सीढ़ी ली, वो वाली ली, और ये वाली लेकर हम फाइनली घर पर आ गए। पता नहीं मम्मी ने ये वाला पंखा यहाँ पर क्यों रखा है, बाहर से भी आए हैं वाले। उनके लिए, उनको थोड़ी हवा आ रही है मम्मी। सो अंदर जाने से पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर क्या है। ये वाला है लॉन्ड्री रूम। कैमरा, साउंड, एक्शन। सो ये कौन सा रूम है? ये लॉन्ड्री का रूम है। लॉन्ड्री, उसको लॉन्ड्री बोलते हैं, मम्मी को लॉन्ड्री नहीं पता। यहाँ से मैं हाथ से धोती हूँ कपड़ा। मम्मी यहाँ से हाथ से चड्डी बनियान कच्चे वगैरह धोती है। और ये वाली है नई वाली वॉशिंग मशीन, ये कुछ दिन पहले आई थी, तो यहाँ पर रही इसकी पैकेजिंग। और यहाँ पर रहा एक ब्यूटीफुल, नहीं मतलब क्या लो के लॉन्ड्री रूम के सामने यहाँ पर रहा एक, और क्या है यहाँ पर मम्मी? स्टोर रूम है। दादा दादा, सो यहाँ पर है कुछ मेडिकल रिपोर्ट, डॉक्यूमेंट्स, और ये रही हमारी फैमिली फोटो। लेट मी शो यू, यहाँ पर मैं शायद 9 साल की या 8 साल की थी। और यहाँ पर है कुछ पीसे हुए बादाम, इसके अंदर है कुछ लड्डू, इसके अंदर भी कुछ लड्डू है, जो कि मम्मी पापा से छुपा के रखते हैं, क्योंकि पापा छुप छुप के खाते हैं। और अभी हम घर के अंदर चलते हैं। गाइस, ये रहा हमारा लिविंग रूम। यहाँ पर कुछ भगवान जी की पेंटिंग्स हैं। ये रहे मेरे नानो सा। यहाँ पर रही बेबी पू, अगली अगली फोटो बचपन की लगा रखी है। यहाँ पर मैं कितनी मोटी हुआ करती थी, ओ माय गॉड। तो यहाँ पर लिविंग रूम में सबसे पहले इस बेडरूम में जाते हैं, जो कि है अजय का बेडरूम। अजय के बेडरूम में अजय नहीं है, लेकिन अबे है, क्योंकि यहाँ पर रहा हमारा कंप्यूटर, वॉचिंग एन एनीमे। कुमसी क्या मा तो एक्चुअली स्टार्टिंग में अजय अबे एक साथ रूम शेयर करते थे, लेकिन अजय जल्दी उठता है जॉब जाने के लिए, और अबे डिस्टर्ब होता है, तो उसकी वजह से हमने अबे का बेड वहां पर लगा दिया, तो अबे यहां पर आराम से सोता है। सो ये वाली है अबे की अलमारी, वहां पर है अजय की अलमारी। और ये वाला जो डेस्क है ना, इससे मेरा बहुत ही बड़ा लगाव है, क्योंकि यहाँ पर मैंने
मेरी एलिमेंट्री, मेरे स्कूल, हाई स्कूल और जो यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स है ना, मैंने दिन रात घंटों भर यहाँ पर बैठकर रोते रोते पढ़ाई करी थी। ये सब रहे मेरे हाई स्कूल के फ्रेंड्स और जो सबसे अगले इंसान आपको दिखेगा ना वो हूँ मैं। और अभी मैं आपको मेरा रूम दिखाती हूँ। सो यहाँ पर रहा मेरा रूम। चाओ मम्मी, दूसरे के रूम में क्या कर रहे हो आप? हैं, शर्म नहीं आती? शर्म की मारी पानी पानी हो गया। पानी पानी। कैमरा, साउंड, एक्शन। मम्मी ये किसका रूम है? पूनम का। ये रहा मेरा बोरिया बिस्तर। इस लैंप के ऊपर मम्मी ने एक हेयर क्लिप के साथ मेरी ये फोटो लगाई है। वाह, गुड जॉब मम्मी, गुड गुड गुड। आंटी ने आजकल मेरा स्किन केयर और कुछ मेकअप का सामान, सारी चीजें, तो जब भी मैं आती हूं तो मैं इसके साथ मेरा पूरा बॉडी का स्क्रब करती हूं ताकि कि मेरी स्किन स्मूथ और सॉफ्ट और ग्लोवी रहे। और ये वाली जो मशीन है ना, ये बहुत ही खतरनाक वाली मशीन है, क्योंकि इसके साथ आप अपने जो भी फेशियल हेयर है ना, जैसे कि यहाँ पर जो बाल आते हैं या फिर यहाँ पे आईब्रोज में जो बाल आते हैं ना, वो रिमूव कर सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये है मेरी वार्डरोब। सो यहाँ पर रहे कुछ कपड़े जो कि मैं यूजुअली डेली पहनती हूँ। तो यहाँ पर रहे कुछ जीन्स, टी शर्ट्स, अंडरवेयर, ब्रास और यहाँ पर कुछ और कपड़े। सो बेडरूम तो आपने देख लिया है, अभी मैं आपको वहाँ पर बैल्कनी दिखाती हूँ। मुझे मोटरसाइकिल की आवाज आ रही है। मोटरसाइकिल, वाओ। अभी तो यहाँ पर बहुत ही धूप पड़ रही है, लेकिन शाम को यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा चलती है, तो हम यहाँ पर बैठकर कैंडल लाइट। तो यहाँ पे बैठोगे तो ये वाला जो रूम है ना, वो है मम्मी पापा का। कुछ नहीं बोला। एक्चुअली इस रूम में पापा सो रहे हैं, तो मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, सो आई कैन नॉट शो यू दिस रूम। लेकिन मैं आपको ये नेक्स्ट वाला रूम दिखा सकती हूँ, जो कि है बैथरूम। सो ये रहा नंबर वन बैथरूम, और सेकंड वाला बैथरूम है वहाँ पर। सो इस वाले बैथरूम में आप सिर्फ पूपू पीपी कर सकते हैं, नहा नहीं सकते, और आप इस वाले बैथरूम में नहा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रहा बैथटब। सो ये रहा सिंक, बैथटब, और यहाँ पर आप पूपू पीपी कर सकते हैं। और यहाँ पर रहा हमारा मंदिर। तो यहाँ पर रहे काना जी, ये रहा हमारा मंदिर। पहला बर्थडे आया था इटली में, तो वो दी थी हमने इसको लेके, लेकिन एक बार भी खेलने के लिए नहीं थी, उनको ऊपर रख दिया। अभी तक 20 साल हो गए उनको उसी जगह पर है। मम्मी सच बोलो, भगवान देख रहे हैं आपको। दिन हम इतनी कीमती आई थी वो वाली, हाँ बहुत ही महंगी आई थी, इसलिए रखती वहाँ पर। आपको पता नहीं कि मेरे ऊपर क्या गुजरी है, मैं इसके साथ कितना खेलना चाहती थी, लेकिन मम्मी ने उसको वैसे ऊपर। इसके बच्चे खेलेंगे ना, अच्छी बात है, उसकी मम्मी का बर्थडे कब आएगा, इटली का बर्थडे, बुढ़ापा तो आ गया। और अभी मैं आपको हमारी किचन दिखाती हूँ। कैमरा, साउंड, एक्शन। मम्मी ये कौन सा रूम है? ये किचन। किचन नहीं, रसोई बोलते उसको, रसोई। सो गाइस, ये रही हमारी रसोई, ये रहा डाइनिंग टेबल। एक्चुअली हम यहाँ पर कभी भी खाना नहीं खाते, हम हमेशा या तो बाहर खाना खाते हैं या फिर यहाँ पर खाना खाते हैं, लेकिन यहाँ पर कभी भी नहीं खाते। सो यहाँ पर रहा गैस, यहाँ पर रहा माइक्रोवेव, ये रहा सिंक, यहाँ पर ऊपर हम बर्तन रखते हैं, ये है हम गरीबों वाले बर्तन जो हम इस्तेमाल करते हैं। ये रहे मेहमानों के लिए ग्लास। और मम्मी क्या है वो, शर्म नहीं आती? दारू रखते हो घर में? मैं थोड़ी रखती हूँ, पापा रखते हैं। तो ये अच्छी वाली प्लेट जब मेहमान आते हैं ना, तभी हम इस्तेमाल करते हैं, है ना मम्मी। और यहाँ पर रही एक और बैल्कनी, तो ये वाली है किचन की बैल्कनी, और यहाँ पर मम्मी के कुछ पेड़ पौधे रहे। मम्मी को गार्डनिंग का शौक है, तो ये सब मम्मी रखती हैं। सो ये रहा हमारा फ्रिज, अभी मम्मी आपके लिए कुछ कोल्ड ड्रिंक्स निकाल रही है। क्या पिलाओगे आपके बच्चों को मम्मी? मेरे बच्चे को ये वाली पिलाऊंगी, मेरे बहुत इच्छा हो रही थी। ध्यान से देखो, ध्यान से, पहले यहाँ से साफ करना पड़ता है ऐसे। डोले शोले, डोले शोले, मम्मी का बिदाम काम आया। मम्मी, मम्मी किसको बेवकूफ बना रहे हो? नहीं आता मेरे, डोले शोले नहीं। चीयर्स, मजा आ गया। सो गाइस, अभी मुझे मेरा मेकअप शेकअप उतारना है, जिम के कपड़े पहनना है, जिम जाना है, उसके बाद में मुझे नहाना है, और उसके बाद में मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड से मिलना है, जो कि मैं उससे शायद 4 साल से नहीं मिल रही, सो आई एम सो एक्साइटेड टू मीट हर। एक एक ये वाली पिस्ता, क्यों एक मिठाई आती है ना वो वाली, उसके अंदर है पिस्ता। नेवर लाइक दी, ये मेरा पूरा भीग गया नीचे, मेरे साथ ही होता है, आंटी को देखो, हमेशा ही होता है इसके साथ में। मैं सच में जान बूझ के नहीं करती, पता नहीं कैसे ना कैसे हो जाता है, हमेशा हो जाता है साथ में। एक दिन एक और ले लेगा, ना ना मुझे जाना, ना 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 मुझे जाना है मम्मी। ये जिम है? 2 hours later. मैं जी कभी जाना है जिम। घंटी बजाते हैं। अच्छा, कि उनके घर गई हैं, ठीक है। गाइस, चाओ तेजारो के बैल लगे से। चाओ।
फ्रांचेस्को यकीन नहीं कर रहा कि मैं सच में एक फेमस यूट्यूबर हूँ तो वो मुझे अभी यूट्यूब पर ढूंढ रहा है। फ्रांचेस्को को फाइनली बिलीव हो गया कि मैं भी एक यूट्यूबर हूँ। We went out for dinner. Pizza. Buffalo cheese. Italian pizza. मुंह में पानी आ रहा है देख देख के। पावला से मिलकर वापस घर पर आ गई और यहाँ पे अभी सिर्फ 9 बजे हैं लेकिन फिर भी काफी ब्राइट है, सनसेट होने वाला है। ये मुझे नहीं समझ आया, ये लास्ट वीडियो में भी लास्ट ये सेकंड लास्ट वीडियो में बताया था। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिर लव यू सो मच गाइस, बाय बाय। मोटरसाइकिल ओके सो ये थी ये वीडियो। यार बहुत ही अच्छी वीडियो थी, हमेशा की तरह बहुत ही अच्छा व्लॉग था। और मैंने वीडियो में कहा भी इनके जो बोलने का स्टाइल है ना, लाइक एक तो बंदा अलग बात है ना कि व्लॉगिंग कर रहा जो भी कर रहा है, लेकिन इनके जो बोलने का स्टाइल है ना देसी नेचुरल मिक्सअप करके वो बहुत अच्छा है। और आंटी जो है वो कमाल यार, आंटी बहुत ही स्वीट है, बहुत ज़्यादा स्वीट है। तो होप्स आप लोगों को भी व्लॉग अच्छा लगा होगा, बड़े मज़ा आया देख के वीडियो। तो कमेंट से बताना आप लोगों को कैसी लगी वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर लेना और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो जाके, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। इस बार की नहीं मारा तो जल्दी से जाओ फॉलो कर जाके, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।